मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है पोला अमावस्या। पोला महापर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। नर्मदा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे। पोला अमावस्या पर देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने जीवन दायिनी मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। नर्मदा जल से सिद्धेश्वर महादेव का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। पोला अमावस्या पर मां नर्मदा में स्नान ध्यान दान एवं पूजा अर्चना करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पोला अमावस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मोक्ष की अमावस्या है, इस अमावस्या से आदमी अपने हजारों जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं और पुण्य को प्राप्त होता है। ये पिठोरा अमावस्या है, इस अमावस्या को पोला अमावस्या भी कहते हैं और इस अमावस्या के दिन कुशाग्रहणी अमावस्या होती है, जिससे आप कुशाग्रहण करते हो और अपने घर पर ला सकते हो। इस अमावस्या को यही प्राप्त होता है। और आज पितृ मोक्ष अमावस्या है, आज के दिन स्नान करने से जो पितृ अपने पितृ रहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आज की अमावस्या का बहुत महत्व रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।